चलो लॉजिक गेट्स हम लोगों ने करना है लॉजिक गेट्स क्या होता है सब चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे बिल्कुल बेसिक से सिर्फ चीज़ें पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा सब चीज़ें उसकी डिटेल भी समझो ताकि तुम लोगों जो ए टू में जाके ना इसका मसला ना हो क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत और डिटेल रही है तो बिल्कुल बेसिक के ऊपर बात करते हैं लॉजिक गेट्स के बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे चलो

अच्छा बेसिकली लॉजिक गेट्स काम कर रहे होते हैं दो बोलियन वैल्यूज पे बोलियन वैल्यूज क्या होती हैं एनी वन चार्ट बोलियन वैल्यूज क्या होती हैं बिल्कुल जिसके दो पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं फॉर एग्जाम्पल जीरो एंड वन तो लॉजिक गेट्स जो है वो सिर्फ पर सिर्फ किस पे काम कर रहे होते हैं जीरो एंड वन अगर तुम लोगों ने मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम पढ़ लिया है जो कि यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है तो उसके अंदर तुम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि लॉजिक गेट्स कितने काम की चीज है सही है तो पूरा मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स बनाने के लिए सारी चीज़ें जो हैं आप लोग क्या इस्तेमाल कर रहे होते हो लॉजिक गेट्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं कोई भी सर्किट क्रिएट करना होता है हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं लॉजिक गेट्स इस्तेमाल करते हैं सही है अच्छा अब एक चीज मैं तुम लोग की और बेसिक्स क्लियर करता हूँ लॉजिक गेट्स के हवाले से फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे देखो लॉजिक गेट्स हम लोगों के जो होते हैं हम लोग खुद उनको ऐसे क्रिएट करते हैं कि वो जो भी हम लोग उनसे एक तरीके से आउटपुट निकलवाना चाह रहे हैं ना फॉर एग्जांपल अगर मैं जीरो और ज़ीरो इनपुट दे रहा हूँ तो मेरा आंसर जीरो आना चाहिए तो मैं ऐसा कौन सा गेट इस्तेमाल करूँगा देखो ये सेपरेटली फ़िज़िकल डिवाइस नहीं होती मेन कॉन्सेप्ट जो तुम लोगों को मैं अभी बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग सिर्फ सिम्बल से इनको ना रिलेट करते हैं कि अच्छा ये अगर आउटपुट आ रहा है तो ये इसका सिम्बल होगा एक्चुअल फिजिकल डिवाइसेस नहीं है मतलब फॉर uh, एग्ज़ाम्पल अगर मैं आई की बात करूँ तो एक उसकी एक डिवाइस है ट्रांजिस्टर की बात हो रही है तो वो एक डिवाइस है रजिस्टर की बात हो रही है तो वो एक डिवाइस है लेकिन लॉजिक इट्स जो हैं वो बेसिकली क्या होते हैं हम लोग बाय यूजिंग वायर्स एंड यूजिंग ब्रेड सर्किट जो ब्रेड बोर्ड होता है और ट्रांजिस्टर्स को इस्तेमाल करके हम लोग ऐसा एक सर्किट क्रिएट करते हैं जो कि हम लोग की वही सेम प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं जो कि लॉजिक गेट्स कर रहे होते हैं अभी हम लोग देखेंगे कि जो इनपुट्स होते हैं और नहीं सॉफ्टवेयर नहीं होता बिल्कुल भी नहीं ऐसे इसमें नहीं है कि सॉफ्टवेयर नहीं है ये बेसिकली क्या है आप लोगों के हम वायर्स को इस्तेमाल करके हम लोग इनपुट्स और आउटपुट्स को वेरी करवा रहे होते हैं मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जीरो इनपुट कर रहा करूँ तो मेरा आउटपुट वन आना चाहिए तो ये कैसे होगा बाई यूजिंग लॉजिक गेट्स अब लॉजिक गेट्स इट्स इट्स नॉट अ डिवाइस हम लोग एक बोर्ड पे इनको क्रिएट करते हैं खुद लेकिन इनको समझने के लिए हम लोगों ने इनको सिंबल्स में रिप्रेजेंट किया हुआ ताकि हम लोगों के लिए समझना आसान हो जाए सर्किट को डेवलप करना आसान हो जाए तो ये सारी चीजें जो है हम लोग सिंबल्स के तौर पे समझते हैं इनको सही है अगर आप लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रस्यू करते हो तो आप लोग इनको क्रिएट करने भी सीखते हो कि एंड गेट को कैसे बनाते हैं जोर गेट को कैसे बनाते हैं नॉर गेट को कैसे बनाएंगे वो अभी सब चीजें डिस्कस करते हैं पहले यहाँ तक लिख लो उसको अपने पास बिल्कुल ऐसे ही अब्दुल मन सही चलो अब मैं तुम लोगों को इसके सिंबल्स देखते हैं हम लोग हम लोग के लिए समझना आसान हो जाता है सिंबल्स के थ्रू सही है अभी फिलहाल अगर तुम लोग अपनी से बेसिक्स भी क्लियर कर लेते हो ना एट दी एंड तुम लोगों को ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होती चली जाएंगी जब तुम लोग इसके खुद सर्किट्स को क्रिएट कर रहे हो सब चीज़ें जब खुद कर रहे हो गे. अभी फिलहाल इनके सिम्बल्स को समझते हैं हम लोग के पास कितने टाइप्स ऑफ गेट्स हैं हम लोग के पास सिक्स टाइप्स ऑफ गेट्स हैं लॉजिक गेट्स होते हैं लॉजिक गेट्स का मतलब क्या है जीरो और वन की वैल्यूज़ को हम लोग एक तरीके से उनका इनपुट लेते हैं और उनका आउटपुट हम लोगों ने जनरेट करना होता है सही है फॉर एग्जाम्पल हम लोग के पास सबसे पहला गेट है नॉट गेट अच्छा इनको पहले अपने पास ड्रॉ कर लो सही और चीज़ों को थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश करो उनको रिलेट करने की कोशिश करो कि शेप से रिलेट करो ताकि तुम लोग को ईजिली याद हो जाए फॉर एग्जाम्पल नॉट गेट क्या होता है नॉट गेट जो वो है वो ट्राइंगल है ना सर्कल सही और गेट क्या है अगर बचपन में किसी ने फिश बनाई है मछलियाँ बनाई हैं तो आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा और गेट कैसा होता है सही है तो काइंड ऑफ अ फिश ऐसे करके गेट बनता है बाकी फिर एंड गेट एंड गेट इज़ अ डी थोड़ा बहुत चीज़ों को रिलेट करना सीखो जब भी चीज़ों को रिलेट करोगे याद करना आसान हो जाएगा सही है नैंड गेट क्या होता है बिल्कुल सेम है एंड गेट की तरह लेकिन इट हैज़ अ सर्कल सही है नॉर गेट क्या होता है नॉर्गेट बेसिकली और गेट है विद अ सर्कल ऑन एट जॉरगेट क्या होता है बस एक से जो उसमें ऐड हो जाएगा और गेट की तरह ही है। सही इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं अलग अलग चीज़ें हैं वो सब डिटेल में डिस्कस करेंगे कोई अभी मसला नहीं अभी सिर्फ इन सिम्बल्स को अपने पास बना के रख लो नहीं 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 अब्दुल नहीं नहीं पीट से कोई ताल्लुक नहीं है इसका इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल अलग चीज़ है अभी करो मैं इसको सब समझा रहा हूँ डिटेल में बात करते हैं इसमें अच्छा कि इसकी एक देख लो चलो एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं फिर हम समझेंगे इसको सही है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक ऐसी लॉजिक क्रिएट करना चाह रहा हूँ कि सपोज करते हैं सेंसर्स के बारे में बात कर लेते हैं सही एक सेंसर से मेरे पास अगर मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि दोनों सेंसर से जब रीडिंग वन आए और से सुनना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर दोनों सेंसर से रीडिंग वन आ रही है तो मेरे पास आउटपुट जो हो वो वन हो और जैसे ही वन होगा तो मतलब आपका जो भी एक्चुएटर्स होते हैं मतलब आप लोगों का कोई भी ऐसी डिवाइस जो उसको कंट्रोल करती हैं फॉर एग्जाम्पल ए की बात कर लेते हैं सही है आपकी ए जो है वो वो डिवाइस है फॉर एग्जाम्पल मैंने दो सेंसर लगाए हुए हैं एक टेम्परेचर का सेंसर है और एक ह्यूमिडिटी का सेंसर लगा हुआ है अगर मेरे पास दोनों की वैल्यू वन होगी तो जब जाके मेरा ए सी ऑन हो जाए तो ये मेरे पास क्या है ये एक लॉजिक है मेरे पास क्या चीज सिनारियो क्या है मेरे पास कि दोनों सेंसर की वैल्यू वन हो तो मेरे पास आउटपुट भी वन आना चाहिए तो अभी इस सीनारियो में मैं गेट्स इस्तेमाल करूँगा ऐसा कौन सा गेट है अब मैं यहाँ पे सोचूंगा कि भाई ऐसा कौन सा गेट है जिसमें दोनों में अगर मेरे पास इनपुट वन हो तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा वन आएगा तो इस सिनेरियो में कौन से गेट हो सकता है एंड गेट इस्तेमाल कर सकते हैं सही अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको कि कौन सा गेट होगा वैसे इसके अंदर एंड गेट होगा लेकिन अगर वही सेम सिनेरियो में मैं और गेट इस्तेमाल कर रहा होता था तो आंसर मेरे पास क्या था? आ रहा होता जीरो आंसर आ रहा होता वन और अगर जीरो होता एट दी एंड आपके पास आंसर जीरो आ रहा है सही है हाँ बिल्कुल बेसिक्स है अगर और गेट में वन और जीरो होगा और गेट अगर मैं इस्तेमाल कर रहा था अगर कोई भी एक सेंसर में भी वन आ गया ना एक सेंसर में भी वन आ गया तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा वन आ जाएगा जो कि मेरा सिनेरियो इसमें मीट नहीं कर रहा ये मेरा सिनेरियो बिल्कुल भी नहीं है सही है तो ये सब अलग अलग लॉजिक्स होती हैं अभी वो क्रिएट करनी होगी जैसे जैसे चीज़ें प्रोग्रेस करते जाओगे चीज़ें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी सही है अभी फिलहाल सिर्फ सिम्बल्स पर बात करते हैं नॉट गेट और गेट एंड गेट नैंड गेट नॉर जॉर ये सब आप लोगों को याद होने चाहिए सही है ये सिम्बल्स हैं सिर्फ और सिर्फ लॉजिक को एक तरीके से लिंक करने के लिए सही है मैं भी सिर्फ कोशिश ये करूँ कि तुम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि तुम लोग इसमें मत रहो कि ये आप लोगों के फिजिकल डिवाइसेज हैं सही है यहां तक क्लियर है सबको चलो अब बात करते हैं थोड़ा बहुत तुरंत थोड़ टेबल के बारे में अभी थोड़ा बहुत मैं चीज़ों से हट रहा हूँ एट दी एंड वापस आएंगे अभी सिर्फ बेसिक हम लोग बात करते हैं ट्रुथ टेबल क्या होती है सही है अच्छा तो टेबल को समझने के लिए सबसे पहली चीज़ दिमाग में रखो कि तुम लोगों ने आ, एक कॉन्सेप्ट किया था जो कि पेपर टू के अंदर था और वो कॉन्सेप्ट कौन सा था ट्रेस टेबल का सही है ट्रेस टेबल के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे हम लोग जो भी वैल्यूज आती थी ना ट्रेस टेबल में भी तुम लोग बस से एक तरीके से अपना जो भी कोड होता था उसको ड्राई रन करते थे ड्राई रन मतलब उसको सबको प्रोसेसिंग करते थे और वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप और सब उनके अपने आउटपुट्स जो भी आ रहे होते थे हम उनको नोट डाउन करते थे फिर उसके बाद एट दी एंड जो हम लोग के पास आउटपुट आता था सिंगल आउटपुट जो आता था उसको हम लोग लिखते थे बिल्कुल सेम सिनारी है ट्रुथ टेबल का इसके अंदर भी हम लोग क्या करेंगे एक तरीके से सब चीज़ों को वैल्यूज को ट्रेस करेंगे जो भी आउटपुट आएगा उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि एट एंड हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है सही है चलो अब इसको देखते हैं अब इसको लिख लो अपने पास पहले सबसे पहले अच्छा ये ये जो चैप्टर है ना लॉजिक गेट्स का बहुत आसान चैप्टर है और तुम लोगों को इसमें बहुत फायदा है क्योंकि ये जो है आपको लॉजिकल चैप्टर है मतलब याद करने की चीज़ें नहीं है इसमें सही है ये भी जो चीज़ मैंने अभी लिखवाई है तो थ्रोट्रेबल के बारे में ये भी सिर्फ सिर्फ तुम लोगों के कॉन्सेप्ट के लिए वो कुछ पूछेगा नहीं कि भाई थ्रोट्रेबल तो क्या होती है अच्छा लिखो भाई आर यूज तो टू ट्रेस द आउटपुट फ्रॉम अ लॉजिक गेट्स और लॉजिक सर्किट अब ये लॉजिक सर्किट क्या होता है इसके बारे में तो भी बात करते हैं लॉजिक गेट अगर मैं बोलूं तो ये एक सिंगल एक तरीके से डिवाइस होगी आपकी अब अगर लॉजिक सर्किट बोलूं तो उसमें हम अगर डिफरेंट लॉजिक गेट्स इस्तेमाल करें कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं उसको क्या कहूँगा लॉजिक सर्किट कहूंगा सही है द नॉट गेट इज द ओनली लॉजिक गेट विद वन इनपुट अच्छा ये जो लाइन्स होती हैं ना ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करी है नंबर ऑफ इनपुट्स तो नॉट गेट के अंदर कितने इनपुट्स हैं सिर्फ और सिर्फ सिंगल इनपुट है बाकी के बारे में बात करें। तो इसमें कितने है? दो इनपुट ए कंसिडर करते हैं एक को हम लोग बी कंसिडर करते हैं है. सही है और गेट के अंदर भी दो इनपुट नॉर गेट के अंदर भी दो इनपुट नैंड गेट के अंदर भी दो इनपुट और सॉरी एंड गेट के अंदर भी दो इनपुट एंड जोर गेट के अंदर भी दो इनपोर्ट है चलो The not gate is the only logic gate with one input when constr when constructing through tables, all possible combinations of ones and zeros are basically noted. So yeah, and zeros are considered pe lo, are considered Chalo. यहाँ तक हो जाए तो मुझे बता देना आगे बढ़े ताकि चलो अच्छा अब हम अगर सारे कॉम्बिनेशन की बात करें ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे तुम लोगों से कहूँ कि हम लोगों के पास उसको बल्कि ऐसे कर लेते हैं ऐसे समझते हैं इसका मैं ड्रॉ करके कर दिखाऊंगा तुम लोग को वो ज्यादा इजीली समझ आएगा तुम लोगों को चलो अच्छा पहले हम लोग बात करें सिर्फ और सिर्फ दो इनपुट्स पे अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो इनपुट्स हो तो क्या होगा आप के पास थ्री एंड थ्री सिक्स सही है सिर्फ और सिर्फ दो इनपुट्स की बात हो रही है अभी फिलहाल ड्रॉ करके बनाऊँ ज़्यादा तुम लोगों के लिए बेहतर रहेगा समझना आसान हो जाएगा टेबिल को बिल्कुल एज इट इज ड्रॉ कर लो चलो अभी हम लोग सिर्फ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को समझ रहे हैं कि कैसे हम लोग इसको करते कैसे हैं पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाते कैसे हैं सही है अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो इनपुट्स हों अच्छा अगर अभी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही कोई ऐसा मसला नहीं जब हम सब चीज़ों को एक साथ पढ़ेंगे ना अभी मैं सिर्फ इंडिविजुअली चीज़ों को समझा रहा हूँ तुम लोगों को जब हम सब चीज़ों को एक साथ पढ़ेंगे क्वेश्चंस को समझेंगे तो सब चीज़ें खुद ब खुद क्लियर हो होती चली जाएंगी अभी सिर्फ मैं इंडिविजुअल चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ताकि सब चीज़ें जब कम्बाइल हो तो उसमें तुम लोगों के पास एक तरीके से चीज़ें जो है वो मिक्सअप नहीं हो रही हूँ अभी सब हम अलग अलग चीज़ें करके पढ़ रहे हैं अभी हम लोगों ने सिर्फ बेसिक सिंबल्स के बारे में बात की है अब हम ट्रुथ टेबल के बारे में बात करें कि अगर ट्रुथ टेबल फिल करने को आ जाए तो आप लोग कैसे फिल करते हैं सही है सबसे पहली चीज़ है इनपुट्स इनपुट्स अगर आपके पास दो हों तो उसके अंदर अगर मैं सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखने अगर मुझे बताओ जीरोज एंड वन के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं अगर सिर्फ दो इनपुट हो बेसिक बात करते हैं हम लोग जनरल नॉलेज में एक कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है जीरो जीरो अगर दोनों इनपुट्स आपके क्या आ रहे हो जीरो और जीरो ए इनपुट पे भी वैल्यू ज़ीरो आ रही हो और आपके पास बी इनपुट पे भी वैल्यू जीरो आ रही हो और अभी हम लोग चीज़ें जो हैं वो दिमाग से कर रहे हैं एक कॉम्बिनेशन बन सकता है वन वन बिल्कुल ऐसा है फिर और कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है एक बन सकता है ज़ीरो वन या तो ए के अंदर ज़ीरो हो और बी के अंदर वन हो और एक कॉम्बिनेशन हो सकता है कि बी के अंदर वन हो और सॉरी ए के अंदर वन हो बी के अंदर जीरो सही ये कितने कॉम्बिनेशन बन गए इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है ये सौ नो चार्ट पर हो इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन है नहीं बन सकता ना तो अब ये सब क्या है अब इसका आसान तरीका क्या है कि अब तो चलो हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक तो बात कर ली कि ईजिली हम लोग जो हैं इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ दो इनपुट्स हों अब अगर यही सेम सिनेरियो तो में दे दूँ तो हम लोग के पास तीन इनपुट्स ए बी सी सही है एक और सिनेरियो देखते हैं ए बी सी सही है, तीन इनपुट्स हैं अब इसमें ए में जीरो वैल्यू आएगी बी में जीरो आएगी सी में जीरो आएगा फिर ए में बन आए बी में बन आए या सी में बनाए तो एक बेसिक हम लोगों को तो पता है अब इसके बाद अलग अलग कॉम्बिनेशन में अब ये सोचते रहोगे ना तो इसमें टाइम कंज्यूम होगा तुम लोगों का देखो लेवल्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज को आइडेंटिफाई नहीं करता है सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज को जज नहीं करता है वो बहुत सारी चीज़ों को जज कर रहा है आपकी कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हैं वो कैसी हैं एग्जाम को अटेम्प्ट करने का तरीका कैसा है ये सब चीज़ें आप लोगों की चेक हो रही होती हैं तो एट दी एंड आपको क्या करना है इसका एक आसान तरीका भी हम लोग सीखते हैं कि इसको ईजिली आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं सही है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन विद इन सेकेंड्स इन टेन सेकेंड्स आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे अब देखो उसको बहुत आसान कॉन्सेप्ट है बहुत बहुत बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है अभी सिर्फ हम लोग तो ट्रेबल की बिल्कुल स्टार्टिंग वैल्यू को फिक्स करना सीख रहे हैं चलो जितने भी इनपुट्स हों सबसे पहली चीज हमें क्या आइडेंटिफाई करनी है कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं ए और बी की अगर हम बात करें तो कितने इनपुट्स हैं दो इनपुट्स हैं तो हम लोग क्या करेंगे टू रेस्ट टू द पावर टू सही ये जो है कि नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं जो आपकी पावर होती है वो बेसिकली क्या होती है नंबर ऑफ इनपुट्स होती है इससे हमें क्या पता चल जाएगा नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन टू रेस्ट टू द पावर टू इज इक्वल्स टू फोर तो इसका मतलब ये कि फोर आपके पास कॉम्बिनेशन हैं अब इसकी ट्रिक समझो कि हम लोग इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सारी कॉम्बिनेशन बनाएंगे चलो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता चल गया कि भाई आपके पास फोर हैं इसको दो में डिवाइड करो तो आपके पास टू और टू ऑप्शन आ रहे हैं ना तब हम क्या करेंगे दो बार जीरो दो बार वन सही है हमने फोर को बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड किया जो भी यहाँ पे आंसर है उसको हम लोग ने दो हिस्सों में डिवाइड किया तो दो बार ज़ीरो दो बाय वन सही ये एक तरीके से ट्रिक समझ लिया उसको तो दो बार जीरो दो बाय वन. तो वन लिख लिया हमने अब यहाँ पे आपके पास दो दफ़ा हमने ज़ीरो लिखा था तो अब हम क्या करेंगे इसको और डिवाइड करेंगे तो ज़ीरो वन जीरो वन सिंपल ये आपके सारे कॉम्बिनेशन बन गए बात समझ आई एक दफ़ा और करके दिखाऊं ये एक काम करते हैं इसको तीन इनपुट्स के साथ करते हैं ताकि और क्लियर हो जाए आपको टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन चलो अब इसको तीन इनपुट्स के साथ करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन चलो ये हाँ मैं अभी समझा रहा हूँ टेंशन नहीं टेंशन नहीं सब समझ आ जाएगा अभी इसीलिए मैं तीन के साथ भी करके दिखा रहा हूँ ताकि चीजें क्लियर होती जाए चलो अब ये तीन इनपुट्स की बात हो रही है यहाँ पे चलो सबसे पहला स्टेप क्या है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन पता होना जरूरी है आपको तो अब हम क्या करेंगे तीन इनपुट्स के अगर बात करें एक सेकेंड लेट मी डू वन मोर थिंग राइट ए है बी है और सी तीन इनपुट्स आप सही है सबसे पहला काम क्या है सबसे पहला काम आपको नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आइडेंटिफाई करने पावर थ्री तो, तीन इनपुट से तो टू रेस्टो तो पावर थ्री आंसर क्या आएगा एट तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास एट डिफरेंट कॉम्बिनेशन होंगे सही है आप कैसे करेंगे एट को डिवाइड बाई टू करो फोर सही है तो इसका मतलब क्या है आप और से देखना है यहाँ पे एट को मैंने करके डिवाइड बाई टू, टू किया तो फोर मेरे पास आंसर आ रहा है तो चार बार जीरो वन, थ्री, और फोर एंड चार बार वन अब यहाँ पे चार दफा जीरो था पहले इनपुट पे अब हम क्या करेंगे इसको और डिवाइड बाई टू करो तो फोर डिवाइड बाई टू टू आंसर आ रहा है एट को डिवाइड बाई टू करेंगे बिल्कुल ऐसे ही है एट को हमने डिवाइड बाई टू किया तो फोर आंसर आया तो चार बार जीरो चार बार वन सही है अब यहाँ पे चार जीरोस जीरो थे। तो अब इन चार को डिवाइड बाई फोर डिवाइड बाई टू करो तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है टू तो दो बार ज़ीरो दो बार वन दो बार ज़ीरो दो बार वन अब यहाँ पे कितने हो गए दो हो गए टू डिवाइड बाई टू करो वन आंसर आ रहा है एक बार ज़ीरो एक बार वन एक बार ज़ीरो एक बार वन एक बार जीरो एक बार वन एक बार ज़ीरो एक बार वन सही है अब इसकी जितनी प्रैक्टिस करते चले जाओगे ये प्रोसेस जो आपका सेम रिपीट होगा आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना एट दी एंड सिर्फ और सिर्फ इनपुट्स को देखना है अच्छा भाई तीन इनपुट्स हैं चार बार जीरो चार बार वन दो बार जीरो दो बार वन दो बार जीरो दो बार वन फिर एक बार जीरो एक बार वन ऐसे करके प्रोसेस है इसका बहुत आसान है कुछ भी मुश्किल नहीं है एक दफ़ा करके देखो इसको बिल्कुल ऐसे ही बस फर्दर डिवाइड करते चले जाओ आंसर आता रहेगा अभी देखो यही सारे कॉम्बिनेशन अगर आप खुद बनाने बैठते हैं आपको टाइम लगता है इसमें सही है अब इस तरीके से करोगे तो आप लोगों का टाइम एक तरीके से जो कंज्यूम हो रहा है वो कम हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ विद इन फाइव सेकेंड आप कर सकते हो कोई इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें समझ आई यहाँ तक क्लियर है बेसिक्स क्लियर हुई एक दफ़ा फिल करके देख लो उसका खुद ही अपने पास एक काम करो टू रिस्ट टू द पावर फोर की टेबल बना लो सही है टू द पावर फोर की टेबल कैसे बनेगी कितने कॉम्बिनेशन आएंगे फोर इनपुट्स की अगर मैं टेबल बनाना चाहूँ तो सिक्सटीन आपके पास और कॉम्बिनेशन आएंगे अब सिक्सटीन का क्या मतलब है सबसे पहले के अंदर क्या होगा एट टाइम्स जीरो एट टाइम्स वन फिर दूसरे वाले इनपुट में क्या होगा फोर टाइम्स ज़ीरो फोर टाइम्स वन फिर तीसरे वाले में क्या हो रहा होगा टू टाइम जीरो टू टाइम्स वन फिर चौथे वाले में क्या हो रहा होगा वन टाइम जीरो वन टाइम वन सही है बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है एट एंड आप लोगों को जब इसके सवाल देखोगे जब हम लॉजिक सर्किट से इसको फिल करेंगे ना तो ये सारी जो चीज़ें ये बिल्कुल स्टेप वन होता है आपका सारे कॉम्बिनेशन का आइडेंटिफाई करना सही है इसमें टाइम ज़्यादा नहीं करना है चलो अब हम इंडिविजुअल उस पर बात करते हैं कि आपके ट्रेस टेबल के अंदर चीज़ें हो, होती कौन कौन सी हैं आपके ट्रेस टेबल के अंदर दो चीज़ें मिलती हैं आपको सबसे पहली चीज़ क्या है सबसे पहली चीज़ है आपकी त्रुट टेबल में होती है इनपुट्स सही है और दूसरी चीज़ क्या होती है टेबल के अंदर आउटपुट्स की वैल्यूज जो आपकी इनपुट्स की वैल्यूज़ हैं और जो आउटपुट की वैल्यूज़ हैं वो दोनों आपको इस तुरट टेबल में मिलेंगी सही है अब सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअल गेट्स के बारे में बात करेंगे कि इनकी तुरंत टेबल आपको दिखती कैसी है सही सबसे पहला गेट है विच इज नॉट गेट एन ओ टी नॉट गेट चलो इसको डिस्कस करते हैं इसकी जो ट्रुथ टेबल है वो कैसे देखेगी चलो मैं बताता हूँ सर एक मिनट मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो सही बात करते हैं इसमें। चलो सबसे पहला गेट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है नॉट गेट नॉट गेट की एक खासियत है सही अब हम इंडिविजुअल हर एक गेट को डिस्कस करेंगे सही बहुत डिटेल में नॉट गेट क्या करता है नॉट गेट को याद करने के लिए सबसे आसान वर्ड जो है वो है इनवर्स सबसे आसान तरीका नॉट गेट को याद करने के लिए है इनवर्स मतलब अगर मेरे पास कितने इनपुट्स थे इसके सिर्फ और सिर्फ एक ही इनपुट है तो हम लोग क्या करेंगे टू रेस्ट टू द पावर वन

जीरो कंसिडर करेगा सही है बेसिकली वैल्यू से क्या कर रहा होता है इन्वर्स कर रहा होता है अच्छा अब हम इसके अंदर दो नोटेशन हैं दो लिखने के तरीके हैं इसको कि हम इसको लिखते कैसे हैं समझ देखो ऑल दो इसको सिर्फ हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी चीजों को क्लियर करने के लिए वर्डिंग्स में इनको सिंबल्स में समझते हैं ताकि हम लोग को चीज़ें कॉन्सेप्ट जो है बेसिक फंडामेंटल नॉलेज है वो क्लियर हो सके एट दी एंड हम इसकी कोई नॉलेज इतनी ऐसा uh, जिसकी जरूरत नहीं होती जब हम ये सब बेसिक्स हमारे दिमाग में होती हैं हम बस सिर्फ सर्किट्स को क्रिएट कर रहे होते हैं सही है तभी तो हम सिर्फ इनकी नोटेशन पर बात करते हैं इनकी जो लिखने का तरीका है वो कैसे लिखेंगे अच्छा अब अगर मुझे लिखना हो कि इसको वर्डिंग के अंदर लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा मैं कहूँगा अच्छा जो आउटपुट होता है ना उसकी वैल्यू है एक्स उसका वेरिएबल है एक्स तो एक्स इज इक्वल्स टू नॉट ए अगर ऐसे लिखा हुआ है कि एक्स इज इक्वल्स टू नॉट ए इसका मतलब क्या है कि नॉट गेट इस्तेमाल हो रहा है सही है इसको कहते हैं हम लोग लॉजिक नोटेशन एट दी एंड सारी चीजें आप लोगों को समझ आने लग जाएंगी अभी सब इंडिविजुअल चीजों को समझो एक्स इज इक्व टू नॉट ए लॉजिक नोटेशन और अब अगर मैं इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहूँस टू एन नोटेशन हैोलियन एलजेब्रा का आप लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करोगे बहुत मनहूस कॉन्सेप्ट इसको लेकिन पढ़ना तो है एट दी एंड सही तो नॉर्थ गेट क्या कर रहा है नॉर्थ गेट बेसिकली वैल्यूज को सिर्फ और सिर्फ इन्वर्स कर रहा है बहुत आसान काम है जो भी वैल्यूज हो जो भी इनपुट आ रहा हो उसको इन्वर्स कर दो बहुत सिंपल अब अगर मैं तुम तो लोगों से कहूँ ए की क्या वैल्यूज थी ए की वैल्यूज थी चार बार जीरो चार बार वन सही है ए की ये वैल्यूज थी ना यहाँ पे देखो सिर्फ तीन इनपुट्स की बात की ए की क्या वैल्यू है जीरो 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 ज़ीरो चार बार जीरो चार बार वन तो इसका मतलब क्या है अगर मैं इसको कहूँ कि ए नॉट करो एक के ऊपर नॉट गेट लगा हुआ है तब मैं क्या करूंगा इन सबकी वैल्यूज को इन्वर्स कर दूंगा चार बार वन हो जाएंगी और चार बार जीरो हो जाएंगी यहां तक समझ आया नॉट गेट का, का काम क्या है नॉट गेट का काम बस इतना सा है वो वैल्यूज को इन्वर्स कर देता है क्लियर हुई बात चलो बेहतरीन बिल्कुल ऊपर जो डैश बना हुआ है ना ये उसका मतलब होता है नॉट गेट इस्तेमाल हो रहा है चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा बहुत और चीज़ों को लेकर चलते हैं अब हम बात करते हैं नॉर गेट के ओ सॉरी और गेट के ऊपर ओ आर और गेट और गेट को समझने के लिए आप इसको लिंक किया करो एडिशन से सही क्या आप एडिशन परफॉर्म कर रहे हो चलो और गेट के अंदर क्या होता है पहले इसकी डिस्क्रिप्शन लिख लो इसको याद करने का तरीका एफ इवन वन इनपुट इफ इवन वन इनपुट इज वन देन आउटपुट इज वन क्या मतलब हुआ इसका देखो सबसे पहली चीज जो है हमेशा इनपुट जो है वो आपके सेम रहेंगे सही है एट दी एंड इनपुट के जो कॉम्बिनेशन है वो आपके सेम रहेंगे सही है हम क्या कर रहे हैं हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं इस ट्रेस टेबल के जरिए कि जो भी कॉम्बिनेशन है उसके ऊपर आउटपुट क्या आएगा हम लोगों के पास इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग ने ये ट्रेस टेबल बनाई है सही है तो ऑर्गेट बेसिकली क्या करता है अगर एक भी इनपुट की वैल्यू आपके पास वन आ रही है तो उसका एट द एंड जो आउटपुट आएगा वो हमेशा वन आएगा चाहिए इस चीज़ को समझना है कि अगर आपके पास एक भी इनपुट में वन आ गया तो आपके पास आउटपुट जाएगा वो हमेशा वन आएगा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखो आप सब गौर से कि अगर मेरे पास ए के अंदर जीरो था बी के अंदर भी जीरो था तो यहाँ पे कोई भी वन की वैल्यू नहीं थी तो एट दी एंड आउटपुट क्या आएगा आपके पास जीरो फॉर एग्जाम्पल आपके दोनों सेंसर्स की वैल्यूज जो हैं वो दोनों जीरो हुई हुई हैं तो आपके पास जो ए सी है वो ऑन नहीं होगा चीज़ों को लिंक करो रिलेट करो थोड़ा बहुत दोनों सेंसर्स की वैल्यू आपके पास जीरो है आपका ए सी ऑन नहीं होगा सही है बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही अब अगर हम बात करें जीरो और वन की और जीरो और वन में आपके पास और गेट लगा हुआ है फॉर ए और बी इनपुट्स थे दो सेंसर्स थे एक सेंसर सेंसर ए था था एक बी सही है अब सपोज करो कि एक सेंसर के अंदर वैल्यू वन आ गई और मैंने अपनी लॉजिक सेट की हुई है और गेट के मुताबिक कि अगर मेरे पास सेंसर ए में आउटपुट जीरो आ रहा है इनपुट जो है उसकी वैल्यू जीरो है मतलब मेरा सेंसर ए जो है वो काम नहीं कर रहा अभी वो ऑन नहीं हुआ हुआ और मेरा जो दूसरा सेंसर लगा हुआ था उसकी वैल्यू वन हो जाती है तो एट एंड दास ए सी फिर भी ऑन हो जाएगा क्यों क्योंकि एक दफा एक, एक सेंसर में भी वैल्यू वन आ गई तो मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है वन आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि मेरा ए सी ऑन हो जाएगा सही ये सब चीजें लिंक करने की कोशिश करो अब सपोज करो मेरे पास सेंसर ए जो था उसमें वन आ रहा था दूसरे वाले सेंसर में वैल्यू जीरो आ रही थी फिर भी ए सी ऑन हो जाएगा तो ये सारी चीजें हम इस लॉजिक को इस्तेमाल करके अपने सर्किट्स को क्रिएट करते हैं लॉजिक सर्किट क्रिएट करते हैं ताकि एट दी एंड जो आप आउटपुट चाह रहे हो वो आपके पास आ सके सही है मैं चाह रहा हूँ कि भाई दोनों सेंसर्स के पास अगर वन आए जब ही हो जब ही आपके पास गेट ओपन हो सॉरी ए सी जो आपके पास ओपन हो तो इस सीनैरियो में तो बिल्कुल भी ऐसा ऑप्शन नहीं है अगर इसमें एक सेंसर में भी वन आ जाता है तो आपके पास एट द एंड ए सी ऑन हो रहा है सही है सब गौर से समझो इसको तो मैं अगर मेरा जो सिनेरियो था कि भाई दोनों सेंसर ऑन हो तो फिर एसी चले तो इस और गेट से तो वो काम नहीं हो सकता है उसके लिए मैं कौन सा गेट इस्तेमाल करूंगा वो मैं हम आगे डिस्कस करते हैं अभी फिलहाल जो और गेट की लॉजिक है वो क्या है कि अगर एक इनपुट भी आपके पास वन आ रहा है तो आपके पास आउटपुट जो है वो भी वन आएगा यहां तक लिख लो उसको अपने पास इफ इवन वन इनपुट इज वन नहीं, नहीं अब्दुल मनम ये वो चीज़ नहीं है ये बाइनरी एडिशन नहीं है इसको एडिशन से कंफ्यूज मत करो बाइनरी एडिशन से कंफ्यूज मत करो सही है ज़्यादातर लोग करते हैं इवन मैं भी कर चुका हूँ एक दफ़ा कि भाई बाइनरी एडिशन जो है और उसको लॉजिक जो बेसिकली आपके कॉम्बिनेशन और आउटपुट्स होते हैं उससे कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग ऐसा नहीं है सही ये बेसिकली आपका क्या है कोई लॉजिक वाली बात नहीं है बेसिक इसमें हम लोग डिफरेंट कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं वो सब डिटेल में डिस्कस करेंगे बस दोनों अगर और गेट इस्तेमाल कर रहे हो और दोनों पे इनपुट आपके पास वन आ रहा है मतलब एक भी अगर वन आ जाएगा ट्रू फॉल्स बेसिकली हाँ चलो उसको वैसे लिंक कर लो सही है हाँ अगर वहां से लिंक करना है तो वहां से कर लो कोई भी अगर एक एक दफा भी कहीं पे भी इनपुट पे वन आ गया एट द एंड आपके आउटपुट में वन ही आएगा सही अब इसका अगर मैं कहूँ तुम लोगों से लॉजिक नोटेशन लॉजिक नोटेशन मतलब इसको लिखेंगे कैसे तो मैं लिखूंगा इसको x इज इक्वल टू ए और b मतलब a जो है वो b के साथ क्या हो रहा है और हो रहा है सही है और अगर मैं इसको इसको लिख लूँ बस ये लॉजिक नोटेशन है और अगर इसकी मैं बोलियन की बात करूँ तो कैसे लिखूंगा a प्लस बी ये आपकी बुलियन एल फॉर्म है बूलियन सही है यहां तक लिख लो उसको अपने पास ये हो गया आपका नॉट गेट और, और गेट को हमने डिस्कस कर लिया एट दी एंड आपको ये टेबल फिल करनी आनी चाहिए ये पूरी टेबल आपका फिल करनी आनी चाहिए क्योंकि मैं और गेट का बोल रहा हूं तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कहीं पे भी वन आ रहा है आउटपुट में वन आएगा सही ये वो आपको क्या दे देगा ए और बी के कॉम्बिनेशन दे देगा और आपसे बोलेगा कि भाई इस और गेट की ट्रेस टेबल को फिल करें। या वो आपको ये लॉजिक बता देगा और आपसे बोलेगा ट्रेस टेबल को फिल करो टेबल को फिल करो सही आगे बढ़ते हैं नॉट गेट हो गया और गेट हो गया एंड गेट के बारे में बात करते हैं हम चलो भाई इसके बाद है अब आप लोगों का एंड गेट एंड गेट की भी लॉजिक बहुत सिंपल है जैसे और गेट की थी बिल्कुल सिंपल लॉजिक है कोई भी इसमें डायग्राम बनानी हो जाती है ना हाँ एट दी एंड डायग्राम भी बनाएंगे सब चीज़ें सब चीज़ें सीखेंगे टेंशन नहीं सबके अलग अलग केसेस हैं अभी सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस रखो फंडामेंटल्स अपनी क्लियर करो ताकि फिर उसके बाद हम लोग जब मेन चीज पर आएंगे अभी तक कुछ भी हम लोगों ने, ने स्टार्ट नहीं किया आपको ये समझ लो अभी सिर्फ बेसिक्स पे बात कर रहे हैं मैं तो हम लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ बस और कुछ भी नहीं जब हम सवाल देखेंगे सब चीज़ें खुद ब खुद क्लियर होती चली जाएंगी सही एंड गेट के बारे में बात करते हैं एंड गेट की जो लॉजिक है वो बहुत सिंपल है और वो क्या है इसकी जो लॉजिक है इसको याद किया करो याद रखा करो एंड गेट की मल्टीप्लिकेशन से फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे भी किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है हमेशा जीरो आता है सही है कोई भी नंबर ले लो इसमें टेन टेन मल्टीप्लाई आंसर जीरो आएगा तो बिल्कुल सेम लॉजिक एंड गेट की होती है कि अगर कहीं पे भी इनपुट के अंदर आपके पास जीरो वैल्यू आ जाती है तो आपका आउटपुट हमेशा जीरो आएगा यहाँ पे लिख लो एफ ई वन इनपुट आउटपुट पे जीरोम्बिनेशन देख लेते हैं ए पे भी जीरो था बी पे भी जीरो था मतलब मेरे दोनों सेंसर्स पे वैल्यू क्या आ रही थी दोनों पे मेरे पास जीरो वैल्यू आ रही थी मेरे दो दोनों सेंसर्स पे तो एट दी एंड मेरा ए भी ऑन नहीं हुआ सही है अब अगर मैं बात करूँ कि भाई चलो एक सेंसर पे जो है आ, मेरे पास वैल्यू वन आ रही थी और जो दूसरा सेंसर था उस पर मेरे पास वैल्यू ज़ीरो आ रही थी तो मेरे पास उसके उसके बावजूद भी मेरा एसी ऑन नहीं हुआ अब सेंसर ए पे मेरे पास वैल्यू वन आ रही है सेंसर बी पे मेरे पास वैल्यू ज़ीरो आ रही है स्टिल मेरा ए ऑन नहीं हुआ जो मेरी लॉजिक थी जो मेरा सनैरियो था कि भाई दोनों सेंसर्स ऑन होने चाहिए दोनों सेंसर से रीडिंग आनी चाहिए जब जाके मेरा आ, जो ए है वो ऑन होगा तो यहाँ पे देख लो अब इसकी लॉजिक सेंसर ए में भी वन है सेंसर बी में भी वन है एट दी एंड आपका ए सी ऑन हो गया सही है इस चीज को इससे लिंक करो सर वैसे तो हम वैसे होते हैं चलो कह लो अब बिल्कुल कह सकते हैं कि हम मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं लेकिन वैसे को इस कॉन्सेप्ट से याद करोगे ना तो मुश्किल हो जाएगी आसान तरीका ये है कि कहीं पे भी जीरो आ रहा है तो एट द एंड आपके पास आउटपुट जीरो आ जाएगा अच्छा अब मैं इसकी लॉजिक नोटेशन की बात करूं तो लॉजिक नोटेशन क्या होगी एक्स इज इक्स टू ए एंड बी मतलब ए और बी जो इनपुट्स हैं वो आपस में क्या हो रहे हैं एंड हो रहे हैं अच्छा अब अगर मैं तुम लोगों से चलो सर्किट्स के बारे में बाद में बात करेंगे चलो कर लेते हैं अगर मैं तुम लोगों से कहूँ कि ए और ए एंड बी इसका सर्किट बना एंड इसका सर्किट बनाओ तो कैसे बनाओगे? आपके पास दो इनपुट होंगे एक ये ए है और एक ये बी है तो आप बेसिकली क्या करोगे इनको इन दोनों इनपुट्स को किससे जोड़ना होगा एंड गेट से ये आ गया मेरा एंड गेट तो ये बेसिकली सर्किट है किस चीज का एक्स इज इक्व ए एंड बी का ये बेसिक सर्किट हम लोगों ने बात की है आपके जो लॉजिक गेट था जो एंड का गेट था उसका मैंने दो इनपुट से जोड़ दिया बहुत सिंपल चलो अगर मैं इसकी ये तो हो गई आपकी लॉजिक नोटेशन, ये हो गई लॉजिक नोटेशन। और अब हम इसकी बात करते हैं जब की एलजेब्रा में क्या होता है ए डॉट बी के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए डॉट बी ये हो गई आपकी बोलियन एलजेब्रा फॉर्म डिफरेंस क्या है इतना सा फर्क है वन अगर मैं तुम लोगों को बोलूं, सम ऑफ वन एंड टू इसका मतलब क्या है ये आपकी लॉजिक नोटेशन है अगर मैं लिखूँ वन प्लस टू तो ये आपकी एल्जब्रिक नोटेशन है अब्दुल आप क्लियर हुआ अगर मैं उसको वर्डिंग के फॉर्म में लिख रहा हूँ तो आपकी वो लॉजिक नोटेशन है अगर उसको मैं एल्जैब्रिक फॉर्म में लिख रहा हूँ तो वो आपकी बोलियन एल्जब्र फॉर्म है चलो आगे बढ़ते ये गेट पड़े हैं ना मोहम्मद भाई अच्छा ये जो एग्जांपल ली थी हाँ वो और गेट की बात हो रही है वो अलग सही है ना मैं सिर्फ समझा रहा था उसका सवाल ये था कि लॉजिक नोटेशन और बोली नाजवा में फ़र्क क्या होता है तो इसलिए मैंने समझाया था हम्म तो वो और गेट की एग्जांपल होती है बिल्कुल ऐसे ही है वो तो मैंने मैथ्स मैथाम्पल दी थी वो कोई गेट से तालू नहीं था मैं फर्क समझा रहा था लॉजिक गेट और बोलियन के उसमें सही है चलो एंड गेट हो गया एंड गेट का क्या मतलब होता है कि अगर एक भी आउट आ, आपके पास इनपुट की वैल्यू जीरो हो रही है एक भी वैल्यू आपकी जीरो हो जाती है एट दी एंड आपके पास आउटपुट उसमें जीरो आ रहा है सही है और और गेट के अंदर क्या हो रहा था कोई भी एक वैल्यू भी वन हो जाती है एट एंड आपके पास आउटपुट वन आ रहा है सही है अब बात करते हैं ये हो गए आपके ये बेसिक आपके फंडामेंटल गेट्स हैं ये बेसिक गेट्स हैं सही है अब इनका ऑपोजिट जो है बाकी गेट्स कहलाएंगे क्या मतलब हुआ चलो अभी देखते हैं सबसे पहले अभी हमने क्योंकि रिसेंट एंड गेट को स्टडी किया है तो इसको हम लोग एक ऑपोजिट गेट स्टडी करते हैं विच इज नैंड गेट मैं थोड़ा सा नीचे कर दू है My name is going say second. Mm -hmm. That works. Let's see Cello. अब बात करते हैं हम लोग नैंड गेट की NAND गेट जो है वो बहुत सिंपल है बहुत सिंपल है बस जो लॉजिक एंड गेट की है ना उसको एक तरीके से इन्वर्स कर दो तो वो NAND गेट बन जाता है सही है और इसको याद करने की जरूरत नहीं है नैंड गेट को नॉर गेट को इन दो गेट्स को याद करने की जरूरत नहीं है इसको हमेशा जैसे मैं अपने लिए सॉल्व करता था ना उसमें ये है सबसे इजी तरीका इसका ये है कि पहले इसको एंड गेट करो एंड गेट करने के बाद फिर उसको इन्वर्स कर दो या तो अपने दिमाग में इसको एंड गेट से सॉल्व करो अगर कहीं पे भी नैंड गेट लगा हुआ है तो एट द एंड आप उसको एंड गेट से सॉल्व करो जो भी आंसर्स है उनको इन्वर्स कर दो बहुत सिंपल है देखो मेरे पास एंड गेट के आउटपुट्स आ रहे थे अगर मैं कहूँ ए एंड बी तो मेरे पास आउटपुट्स क्या आ रहे थे जीरो सही है तीन बार जीरो और वन अगर मैं कहूँ ए नैंड बी ए NAND बी तो ए NAND बी का मतलब क्या है इन आउटपुट्स को बेसिकली इन्वर्स कर दो यहाँ पे देखो ट्रिपल वन और फिर ज़ीरो सही है और अगर इसकी लॉजिक याद करने बैठोगे तो एक एडिशनल चीज़ हो जाएगी तुम लोग को याद करने के लिए बेहतर ये इसको एंड गेट की लॉजिक से ही याद रखो और उसको फिर इन्वर्स कर दो वैल्यूज ऑफ एंड को लेकिन अगर याद रखना है तो अगर इसमें इजीली याद कर सकते हो कि अगर कहीं पे भी आप लोगों के पास बेसिकली अगर आपके पास कहीं पे भी जीरो जीरो है वो वन हो जाएगा जीरो वन है वो स्टिल वन होगा जैसे ही आपके पास वन और वन एट द एंड आएगा वो आपके पास आंसर इसका जीरो आएगा बस एंड गेट के बाद नॉट गेट चलो ये भी कह सकते हो बिल्कुल बिल्कुल सही है अब्दुल मनम कि एंड गेट के साथ बेसिकली नॉट गेट कनेक्ट हुआ हुआ है इसको ऐसे समझ लो जो भी एंड गेट की वैल्यूज होंगी वो बेसिकली इनवर्स हो जाएंगी सही है तो इसकी लॉजिक पे मत जाओ इसकी वैल्यूज पे जाओ कि बेसिकली इट्स ऑफ एंड गेट सिंपल अब यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो लिख लो आउटपुट ऑफ एंड गेट इसको ऐसे सॉल्व किया करो अच्छा अगर जीरो जीरो एंड गेट पे क्या वैल्यू आएगी जीरो ही आएगी तो इसको मैं ऑपोजिट कर देता हूँ वन कर देता हूँ अब दूसरे कॉम्बिनेशन पर आओ जीरो जीरो वन का मतलब है एंड गेट पे इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए इस पे जीरो आनी चाहिए क्योंकि एक जीरो हो चुका है तो इसको मैं इन्वर्स कर देता हूँ वन तो मैं यहाँ पे वन लिख दूंगा तो अब ये सब चीज़ें मैं दिमाग के अंदर सॉल्व कर रहा हूँ अगर मैं चलो इस इसको रिमूव कर देता हूँ सही है अब मुझे एंड गेट की लॉजिक जो वो मुझे पता है जीरो और जीरो अगर मैं इसको एंड करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा जीरो आएगा। क्यों, आएगा क्यों आएगा क्योंकि एक भी जीरो आ जाता है तो आपके पास आउटपुट ज़ीरो आ जाता है लेकिन क्योंकि ये नैंड गेट है तो यहाँ पे आउटपुट में मैं वन लिख दूंगा सिंपल एट दी एंड आपके पास यहाँ पे आउटपुट में वन आ गया यह स्लो काम कर रहा है लेट मी फिक्स दिस पे वन आ जाएगा फिर ये जीरो है और ये वन है आपके पास एट दी एंड तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जीरो एक दफा आ चुका है तो एंड गेट पे जीरो आंसर आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा एंड गेट में जीरो है तो नैंड गेट में वन कर दूंगा इनवर्स वन और जीरो एक दफ़ा जीरो आ चुका है मतलब एंड गेट में इसका आंसर जीरो आएगा इसको इन्वर्स कर देते हैं वन और वन मतलब एंड गेट में इसका आंसर वन आएगा तो इधर जीरो इन्वर्स कर देते हैं सिंपल सो ये द आउटपुट ऑफ एंड चलो अब इसकी लॉजिक नोटेशन में बात करें लॉजिक नोटेशन क्या कहती है लॉजिक नोटेशन कहती है एक्स इज इक्वल्स टू ए नैंड बी सिंपल और अगर मैं कहूँ तुम लोगों से बोलियन एलजेब्रा फॉर्म तो मैं कैसे लिखूंगा ये आपकी लॉजिक नोटेशन लेट मी राइट दैट ओवर हियर ये हो गई लॉजिक नोटेशन एट द एंड अगर मैं तुम लोगों से कहूँ इसका बोलियन फॉर्म तो बोलियन फॉर्म क्या होगा बिल्कुल वही फॉर्म होती है जो आपकी एंड गेट की होती है लेकिन इसके ऊपर एक डैश आ जाता है सिंपल जैसे नॉट गेट के ऊपर डैश होता है ना तो बिल्कुल वही सेम चीज है ए डॉट बी जब सिंगल आउटपुट कंसिडर होगा और उसको हम लोग नॉट गेट कर देंगे यूजिंग लाइन। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बोलियन फॉर्म है प्रफॉर्म। सही है यहाँ तक हो गया अब जरा नॉर गेट की बात करते हैं नॉर गेट भी बहुत आसान है कुछ मुश्किल नहीं है इसमें हाँ बस सारे गेट खत्म कर लो आज तो बेहतरीन काम हो जाएगा आज बिल्कुल बेसिक से फंडामेंटल नॉलेज पे बात कर लो कल की क्लास में फिर हम लोग सारे केसेस को डिस्कस कर लेंगे बिल्कुल ऐसे ही असद भाई नॉर गेट क्या होता है नॉर गेट इज बेसिकली इनवर्स ऑफ ऑर गेट बस इनवर्स दउटपुट ऑफ और गेट सिंपल यहाँ पे देखो जीरो और एट जीरो, एंड आपके पास और गेट के अंदर आंसर जीरो तो यहां पे हमने वन लिख दिया जीरो और वन आपके पास और गेट के आंसर इसका वन आता तो यहाँ पे जीरो लिख दिया तो ये तो ये एक तरीके से बस इनवर्स करो जीरो, जीरो पे जीरो आता तो यहाँ पे वन लिख दिया और जीरो और वन पे वन आता तो यहाँ पे मैंने जीरो लिख दिया इनवर्स कर रहा हूँ आउटपुट ऑफ और एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉर बी ये क्या हुआ ये आपका लॉजिकल नोटेशन है ये आ गई लॉजिकल नोटेशन लॉजिक नोटेशन क्या चलो लॉजिक नोटेशन क्या लिख रहा हूँ लॉजिक नोटेशन इसके बाद अगर मैं इसका वो कहूं तुम लोगों से बोलियन फॉर्म तो बिल्कुल सही गैस किया होगा आप लोगों ने ए प्लस बी और उसके पर डैश सिंपल ये हो गया आपका बुलियन फॉर्म ये हो गया नॉर गेट यहां तक आएगा इसको इश्यू नहीं होना चाहिए इसके बाद जो गेट है वो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इसको याद करना होगा आप लोगों को और इजीली याद हो जाती है इसकी लॉजिक कोई ऐसा मुश्किल चीज नहीं है लास्ट गेट है जो कि हम डिस्कस करेंगे आज वो है आपका जोर गेट एंड देन वी आर डन विद सिक्स गेट्स सही जोर गेट क्या होता है भाई जोर गेट बेसिकली क्या है बहुत आसान लॉजिक है बहुत आसान लॉजिक है अगर इसको सही से कर लो यहाँ पे लिख लो अपने पास पहले इसको सेम इनपुट बहुत गौर से लिखना सेम इनपुट द आउटपुट वुड बी जीरो द आउटपुट वुड बी जीरो डिफरेंट इनपुट Different input, the output would be one. The output would be one. चलो अब इसको समझते हैं अगर आपके पास सेम inputs आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल ए पे भी जीरो था बी पे भी जीरो था तो एट दी एंड आपके पास आउटपुट जीरो आएगा सेम इनपुट वन और वन दोनों वन हो गए तो एट द एंड आपके पास आउटपुट ज़ीरो आएगा अगर जैसे ही आपके डिफरेंट इनपुट्स आने लग जाएंगे तो आंसर आपका वन आना स्टार्ट हो जाएगा तो इसको याद कैसे करना है सेम इनपुट ज़ीरो डिफरेंट इनपुट वन सेम इनपुट जीरो डिफरेंट इनपुट वन यहाँ तक सबको क्लियर है इसकी एक दफ़ा लॉजिक नोटेशन भी कर लो फिर जो सवाल है वो मुझसे पूछ लेंगे लॉजिक नोटेशन क्या होगी ए जोर ए जोर बी और इसकी बोलियन नोटेशन क्या होगी ये हो गई आपकी लॉजिक नोटेशन और दूसरी है आपकी बोलियन नोटेशन तो बोलियन नोटेशन कैसी होती है प्लस का साइन है क्योंकि ये थोड़ा बहुत नाम इसका जो है और गेट से ही निकल रहा है तो ये बेसिकली एक्सक्लूसिव और कहते हैं इसको इसका दूसरा नाम है एक्सक्लूसिव और A प्लस उसपे सर्कल B यानि कि बोलियन फॉर्म आ गई बोलियन एलजेब्रा चलो यहां तक लिख लो ज़ोरगेट को कर लो मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं स्क्रीन आई गेस डेट वाइज यहां तक लिख लो तो मुझे चैट पे जवाब दे देना फिर हम थोड़ी बात बातें करते हैं इसके बारे में हो गया चलो तो बेसिकली आप लोगों का काम क्या है आप लोगों का बस इतना सा काम है अभी हम लोग ट्रेस टेबल को फिल करना तो नहीं करेंगे इसके सवाल कैसे आते हैं वो मैं तुम लोगों को थोड़ा बहुत दिखाता हूँ ताकि अब जो है जितना अभी तक सीखा है उसको तुम लोग क्या कर सको रिलेट कर सको सही अब मैं तुम लोगों को उसके पासवर्ड सिखाता हूँ जी We love it there <laughs> sure. ये बेसिकली आप लोगों के सवाल आते हैं जो कि लॉजिक गेट्स के होते हैं सही है ये, ये आप लोगों को उन्होंने सर्किट दिया हुआ है अब एट एंड इस सर्किट से वो आपको पूछना चाह रहे हैं कि एट दी एंड आपके पास आउटपुट क्या आएगा तो अब हम क्या करते हैं इसमें बहुत आसान है कोई भी मुश्किल चीज नहीं है बहुत आसान है करके सब सब समझ लेंगे इसमें कोई ऐसा मसला नहीं ये आपके यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट है ये वाला ए बी सी ये इनपुट का कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने कॉम्बिनेशन सीख लिया था सही है कभी कभी वो आपको फिल करके दे देता है कभी कभी आपसे वो फिल करवाता है सही है अब इस कुछ भी मुश्किल नहीं है बहुत आसान है अगर मैं चलो इसको थोड़ा बहुत तुम लोगों को करके दिखाऊं बल्कि एट दी एंड कल ही करेंगे सो केसेस वाइज देखो ऊपर देखो ए के साथ कौन सा गेट लगा हुआ है सिर्फ गेट्स को आइडेंटिफाई करना सीखो अभी ए के साथ कौन सा गेट है सबसे टॉप पे मेरा कर्सर दिख रहा है सबको कर्सर शो हो रहा है मेरा कर से शो नहीं हो रहा चलो अब चलो देखो ए के साथ यहाँ पे कौन सा गेट है नॉट इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे अगर तुम लोगों से बोलूँ कि यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे क्या वैल्यू है तो हम लोग बस क्या करेंगे ए को नॉट कर देंगे ए की वैल्यूज देखो क्या है चार बार जीरो चार वन तो ए की जितनी भी वैल्यूज हैं तो उसको ए नॉट कर दो ए नॉट का मतलब क्या है चार बाय वन चार बार जीरो सही है यहाँ तक बेसिक हो गया अब उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी ना तुम्हारी चार बार वन चार बार जीरो उसके साथ देखो बी बी के साथ क्या हो रहा है जोर गेट हो रहा है जोर गेट के साथ फिर यहाँ पे आके एंड गेट करेंगे इसको हम लोग सर्किट को दो दो हिस्सों में डिवाइड करते चले जाते हैं और जो भी आंसर्स आते हैं एट दी एंड इसको हम लोग बहुत आसान सवाल है तुम लोगों की सोच कितना आसान सवाल है फ्री के चार मार्क्स हैं सही है तो एट एंड बस हम लोगों ने क्या करना होगा एक सवाल अभी मैं तुम लोगों को दिखाया जिसमें आप लोगों को लॉजिक गेट दे, दे देते हैं और आपसे कहते हैं कि भाई ट्रुथ टेबल फिल करो सही है दो दो को डिवाइड करते चले जाएंगे जो भी आंसर्स आएंगे उनको नॉन गेट किया एंड गेट किया नॉट गेट किया और गेट किया जोर गेट किया एट दी एंड जो भी वैल्यूज आ रही है उनको फिर से और कर दिया तो आपको जो आंसर आएगा तो एक सवाल सॉल्व करेंगे अभी फ़िलहाल नहीं इसके केसेस बनाए हुए वो मैं करवा दूंगा बात करते हैं चलो अब दूसरा सवाल देखते हैं अब उन्होंने यहाँ पे हमें क्या दी भी है उन्होंने हमें यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक लॉजिक दी हुआ है सही है अब हमसे वो कह रहे हैं कि आप इसका सर्किट को ड्रॉ करो सही है एक किस्म का सवाल क्या है कभी पहले उन्होंने आपको सर्किट दिया था आपसे थोड़ा ट्रिपल फिल करवा देते हैं अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब उन्होंने आपको एक्सप्रेशन दे दिया एक्सप्रेशन से कह रहे हैं अब आप इसका गेट को जो लॉजिक सर्किट बनेगा उसको ड्रॉ करना है सही है बिल्कुल सेम सवाल अब आपसे कह रहे हैं आपने सर्किट ड्रा कर दिया है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपने सर्किट ड्रा कर दिया है अब उसको कह रहे हैं कि आपको ट्रिपिल फॉल कर, करो सॉल्व करो अब्दुल मनाम अभी वर्किंग स्पेस कैसे यूज करनी है वो सब डिस्कस करेंगे टेंशन नहीं लो अभी सिर्फ सिर्फ इतना से समझो कि चीज़ें आती कैसी हैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं ताकि जब हम कल इनको सॉल्व कर रहे हो ना तो सारी चीजें खुद ब खुद क्लियर होती चली जाए सही है अब ये सवाल कौन सा है ये सवाल आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ आपसे कह रहे हैं लॉजिक गेट बनाओ पूरा सर्किट क्रिएट करो सर्किट क्रिएट कर दिया उसके बाद वो कह रहे हैं ट्रिपिल को फिल करो अब ये होते हैं कंडीशनल लॉजिकेट्स कहता हूँ मैं इनको कंडीशनल लॉजिकेट्स मतलब एक कोई कंडीशन दे, दे देंगे जैसे हम लोग मैंने मैंने एक कंडीशन दी थी ना अभी जो ए से रिलेटेड सेंसर से रिलेटेड थी बिल्कुल वही आपको कंडीशन दे दी अब वो कह रहे हैं कि अब आप इसका सर्किट ड्रा करें और कितने इनपुट्स दे दिए इन्होंने ए बी सी डी ई तो फाइव इनपुट्स हैं शुक्रबिल बनाने को नहीं दी सही अब उन्होंने एक नया एक्सप्रेशन दे दिया आपको अब वो आपसे कह रहे हैं कि इसका आप लोग एक तरीके से क्या करोगे बैठ के लॉजिक गेट बनाना है और एट एंड आउटपुट निकालना है सारे सवाल इसके ऐसे हैं लॉजिक गेट बनाना है तो टेबल लिखनी है लॉजिक गेट बनाना है तो टेबल लिखनी है लॉजिक गेट बनाना है तो टेबल लिखनी है कुछ भी मुश्किल नहीं है बहुत आसान कॉन्सेप्ट है और फ्री के मार्क्स हैं सही है चलो अब इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे सारे सवाल तो कैसे अटेम्प्ट करना है एक सवाल मैं अगर कर करूँगा तो आपको सारी चीजें खुद ब खुद क्लियर होती चली जाएंगी मैंने ऐसे केसेस बना के रख ली कि हम किस किस तरीके से सवाल आ सकते हैं अच्छा इसके अंदर थोड़ी बहुत एडिशन भी हुई है सिलेबस के अंदर अगर तुम लोग थोड़ा बहुत कंपेयर करो वैसे तो कर लिया मैंने जिसमें नाइन सिक्स वन एट और नाइन सिक्स जीरो एट का सिलेबस देखोगे तो नाइन सिक्स वन एट के अंदर एक एडिशनल चीज़ ऐड हुई है जो कि है तुरंत टेबल से आप लोगों को सर्किट क्रिएट करने वो सब उसके अलग अलग केसेस बना लिए बेसिकली ए टू का कॉन्सेप्ट था और वो एडिशन हुई है एस के अंदर सही है चलो ये बेसिक आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स हो गए अभी तक बेसिक हमने फंडामेंटल्स पे बात की है आगे और चीजें डिस्कस करेंगे कोई सवाल है तो अभी पूछ लो चलो जी एक सेकंड यहाँ तक ही रखते हैं आज क्लास पे